नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है। अगर मुद्दा अगर हम बात करेंगे, हम पार्टी देखें या प्रत्याशी, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और प्रत्याशियों की भी उस पार्टी के अनुसार विचारधारा बन जाती है। लेकिन कई बार पार्टी के प्रत्याशी अपने भी अलग से छवि रखते हैं, लेकिन क्या पार्टी पर प्रत्याशी की छवि भारी है या फिर पार्टियों पर प्रत्याशी भारी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र लांबा कुमावत जी हैं, कांग्रेस नेता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत जी हैं, बीजेपी नेता है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो तमाम पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है और सबका अपना अपना संविधान बना हुआ है और उसी के अनुरूप अपना अपना काम करती है, लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि चुनाव में कई प्रत्याशी पार्टी से भी इतर हो जाते हैं, पार्टी से भी बढ़कर हो जाते हैं। क्या लगता है, ऐसे समय पार्टी गौण हो जाती है या फिर जो पार्टी की विचारधारा है वो गौण हो जाती है और नेता बड़ा हो जाता है? अशोक जी, देखो कि नीरज जी, पार्टी वास्तव में सर्वोच्च होती है क्यों, पार्टी की ही नीतियां होती है और उसका किस प्रकार से एक अब संवैधानिक रूप से एक उसका ढांचा भी होता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। जो टिकट का वितरण किया जाता है, टिकट के वितरण के अंदर आप देखेंगे तो सभी के हिसाब से हम टिकट का वितरण करेंगे, परंतु आप कहीं देखा जाए कि जो कैंडिडेट है या और कुछ है या पार्टी का कोई कार्यकर्ता, वो अपने आप को यदि पार्टी की नीतियों से अपने बड़ा मानना चाहता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। कि आप देखेंगे तो पार्टी ही सर्वप्रिय होती है, क्योंकि पार्टी की ही एक विचारधारा से बनती है। कि पार्टी जो बनती है एक कार्यकर्ता के बेस से बनती है और उसके अंदर एक कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ता है और उसी के अनुसार आप देखेंगे जिस प्रकार से हम टिकट वितरण कर रहे हैं उसी में होता है। इसके साथ साथ आप देखिए जी, टिकट का यदि वितरण किया जाता है तो आप उसमें देखिए कि कार्यकर्ता भी शामिल होगा, उसके साथ साथ समाज सेवी के होंगे उनका भी होगा, और जो विभिन्न जो विचारधाराओं से या अपनी कह सकते हैं कि जो अपना प्रोफेशन करते हैं उनका भी समावेश होगा। तो सबको लेकर के उसके अनुसार ही टिकट का वितरण किया जाएगा और उनकी विचारधारा जो पार्टी की होगी वही विचारधारा की पार्टी होगी, वो जो विचारधारा की पार्टी होगी वो जनता की जो विचारधारा होगी वही समग्र रूप से उसकी विचारधारा होगी। ये नीरज जी मैं कहना चाहता था आपको, और आगे तो ये आता है कि आप विचारधारा का कि जो पार्टी की विचारधारा होती है वही पार्टी प्रत्याशी की विचारधारा होती है, लेकिन अभी सुरेंद्र जी देखा जा रहा है कि कई लोग पार्टी से भी अपने आप को ज्यादा कुछ बड़ा समझ बैठे हैं, उनको लगता है पार्टी सेकंड है, पहले वो है। क्या लगता है, इस तरह का रवैया लोकतंत्र में ठीक है? निश्चित रूप से नीरज जी, लोकतंत्र में जहाँ तक पार्टी और व्यक्ति की बात करें या पार्टी या प्रत्याशी की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि जो जनता है उसको पार्टियों को चुनना चाहिए, वो कौन सी आइडियोलॉजी को पसंद करती है, वो उनको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, और ये पार्टी का काम होता है कि वो कैसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है। क्योंकि अगर हम अगर व्यक्ति की भी कहीं अपवाद के तौर पे ये मान ले कि कुछ पार्टियां ऐसी है जिनकी विचारधारा सब लोगों के लिए नहीं है, वो देश की आम जनता की भागीदार नहीं होती, उनके चुने हुए देश के जब प्रधानमंत्री होते हैं तो वो भले ही नाम ये नारा सबका साथ सबका विकास दे, लेकिन उनका कहना होता है कि देश से संविधान बदला जाना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट नहीं मिलने चाहिए, उनके इस तरीके की जो आइडियोलॉजी होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं, वो जो सब लोगों की लीडरशिप नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार के हालात होते हैं, और इससे भी बदतर तो हालात जब हो जाती है कि जब व्यक्ति पर ही संपूर्ण रूप से पार्टी का संगठन है, चाहे वो भले ही हो सकता है मैं दूसरी पार्टी से हूँ, मेरे अलग विचार हो सकते हैं, आपके स्वतंत्र रूप से अलग विचार हो सकते हैं, बीजेपी के साथी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी हट करके जब व्यक्ति विशेष पर बात आ जाती है और जब ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब 2014 से पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ, उनके जो भाषण होते हैं, उनके जो जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इस प्रकार शो किया जाता है कि न तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ नहीं किया, चरण सिंह जी ने नहीं किया, वीपी सिंह जी ने नहीं किया, यानी 2014 में देश को आज़ादी मिली है और जो जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो, आज देश की जो प्रगति है इतनी एक भारी जनसंख्या वाले देश की, वो सब कुछ है जैसे 5 सालों में ही हुई है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुंठा अंदर भी होती है ऐसी पार्टियों में, लेकिन अगर आप बात करें तो हो सकता है लीडर होता है पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका नेतृत्व पूर्ण पार्टी स्वीकार करती है, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी आउटर डेमोक्रेसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं अशोक जी, इंटरनल डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रभावी होती है बाहरी डेमोक्रेसी के बजाय, लेकिन देखा यह जा रहा है कि नेता ज़्यादा बड़े हो गए हैं,
पार्टियां गौण हो गई है, मुद्दे गौण हो गए हैं और व्यक्ति ज्यादा हावी हो रहे हैं। देखो कि भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल आता है, यदि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देखेंगे जो 3 साल 4 साल तक रहता है, उसमें किस प्रकार से क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देखिए, नितिन गडकरी जी बने थे, राजनाथ सिंह जी बने थे, वर्तमान में अमित शाह जी बने थे, ये आप देखेंगे तो कहां से आए, आपके राज्य स्तर की एक इकाई से आप राष्ट्रीय स्तर पर आए। जहां तक आप विपक्ष का हम देखें तो विपक्ष का आप देखेंगे वंशवाद के रूप में आप अध्यक्ष के रूप में आए, 20 साल तक आप रहे, सोनिया जी रहे, उसके बाद में राहुल गांधी जी आ गए, अब प्रियंका जी सी डायरेक्टर महासचिव के रूप में आ गए। तो ये वंशवाद कहां है, हमारे में वंशवाद तो है नहीं, हम कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, किसी को भी आप देखिए, मोदी जी का देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी बने हैं, तो एक नॉर्मल आदमी आकर के प्रधानमंत्री बना है। लेकिन विपक्ष की कांग्रेस में आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जरूर बन सकता है, लेकिन योग्यता का आप मापदंड है, वो मापदंड किस प्रकार से चुनते हैं ये कांग्रेस ज्यादा बता सकती है। जहां तक व्यक्तिवाद की बात आती है, व्यक्तिवाद कहां चलेगा, जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आप बनाओगे वहां ज्यादा आप ये वंशवाद को लेके आओगे तो व्यक्तिवाद भी हावी होगा, और जहां पर व्यक्तिवाद, भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो व्यक्तिवाद की बात में कोई है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी व्यक्तिवाद नहीं है, वहां पार्टी की विचारधारा ही सर्वोपरि है। जहां एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, कांग्रेस में संभव नहीं है। यदि कांग्रेस में पीएम बनना है तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आशीर्वाद जरूरी है। नीरज जी, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र वो बात बोल गए जो नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी, लेकिन इनकी पार्टी में एक अंतर है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। जब 2014 में किए गए वादों के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से पूछा जाता है कि उन वादों का क्या हुआ, मीडिया के आपके मीडिया के लोग पूछते हैं, तो वो कहते हैं वो जुमले थे। इसी प्रकार ये कह रहे हैं जो वंशवाद की बात कर रहे हैं। अपन राजस्थान का ये एग्जांपल दें, अभी माननीय मोदी जी आए थे जोधपुर में और उन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया था, जो सीएम है अशोक गहलोत जी, उनके बेटे वैभव गहलोत जी के, वो उनके बेटे के लिए घूम रहे हैं, जबकि उनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि पिछले 10 साल से उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, के बेटे भी 15 साल सीएम रहे हैं राजनाथ सिंह, मान लो तमाम एग्जाम्पल हैं। और हमें नहीं लगता, चाहे वो बीजेपी में, हम उस बात को गलत भी नहीं मानते, अगर वसुंधरा जी का लड़का इंटरेस्टेड है अगर राजनीति करने में तो उनको निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक का जो वेलफेयर है उनके जो है वो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इनके कथनी और करनी में पूर्णतः अंतर है। यही बात जो मैं पहले आपको कह रहा था, सबके साथ सबके विकास की, पूरे देश के प्रधानमंत्री होने की कहीं भी सच्चाई इस बात की आपको है, इनको, लगता है इनको तकलीफ है। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि देश में पिछले 5 साल में जिस प्रकार के बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुल करके ये हुआ है कि आपने ये देखा कि भले ही आज वो सरोगी हमारी पार्टी से भी भिन्न थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे उनके समय थे, आज कहीं ना कहीं देश की जनता उनको याद करती है, चरण सिंह जी रहे, वीपी सिंह जी रहे, और पार्टियों के भी लोग रहे, देवगौड़ा जी रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, लेकिन पहली बार ऐसा दौर आया होगा जब खुलेआम इस प्रकार का जो देश में सांप्रदायिक माहौल आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं देश की जनता है वो जो गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिशियन लोग है, जो आम आदमी है, सीधा अपने रास्ते जाता है, वो खुद इस बात को महसूस करता है कि हमारे साथ जो जिस प्रकार देश में जो माहौल होना चाहिए वो है नहीं। ये बात देश के, चाहे इनके आंकड़े सरकारी आंकड़ों की बात करें, जिस क्राइम देश के तमाम स्टेट है उनमें क्राइम बढ़ा है, पूरे देश लेवल पर बात करें, देश की राजधानी दिल्ली पर बात करें, तो इस प्रकार का जो माहौल पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं, और मैं ये कह रहा हूँ नीरज जी की सरकारें पार्टियां आती जाती है, राष्ट्र प्रमुखता से होना चाहिए, राष्ट्र का आप ढिंडोरा बहुत अच्छी तरीके से पीटते हो, लेकिन अपने चुनावी हित साधने के लिए और एक देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीद हेमंत करकरे के परिवार के बारे में, उनके व्यक्ति उनके बारे में किस प्रकार के इनके जो पार्टी के प्रत्याशी है वो बोल जाते हैं, और कभी भी नरेंद्र मोदी जी की सफाई नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी उनका जो हमारे देश के सैनिक है, जो वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, प्रधानमंत्री हो सकता है बदलते रहे, लेकिन वो जब देश की सेना है तो उनको मोदी जी के सेना बताते हुए योगी जी को कतई जोर नहीं आता। उनके जो पोस्टर है वो उनके चुनावी रैलियों में लगाते हुए इनको बड़ी खुशी होती है कि इससे हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, लेकिन एक बार भी कहीं ना कहीं अशोक जी ये सीधा सीधा व्यक्तिवाद हावी होता नजर आ रहा है, और यहाँ पर लगता है कि पार्टी की विचारधाराएं गौण हो गई है और व्यक्ति विशेष हावी होते जा रहे हैं,
और मामला ऐसा है कि जब योगी जी देश की सेना को मोदी सेना बताते हैं तो कोई पीएम की तरफ से जवाब नहीं आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई आलोचना नहीं होती है, ना उसका समर्थन होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मूक सहमति पार्टी के नेता इन चुटभैया नेताओं को देते रहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पीछे हम खड़े हैं। देखो कि सरकारें कोई भी आई हो, भारतीय जनता पार्टी आई, उससे पहले भी आई हो, उन पहली सरकारों में सैन्य जो शक्ति थी उनका आप शौर्य की बातें हरदम होती थी, हम भी कह रहे हैं ये होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं साहब इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण की बातें आती है तो राजनीतिकरण का आप ही कहते हो आकर के साहब, जो पाकिस्तान की जो भाषा बोल रहे हो, जो आप ही कहते हो सब पाकिस्तान की जो मीडिया कह रही है वहां की सरकार कह रही है, उसका आप विपक्ष जाकर उसका समर्थन करने लग जाता है, तब हमें तकलीफ होती है कि ये बातें आप क्यों कर रही हो। जहां तक वैभव गहलोत जी की बात आती है, वैभव गहलोत जी सही बात है कि गहलोत साहब के सुपुत्र हैं, वो चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप 15 के लगभग बात कहां से आ गई मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि वैभव गहलोत जी के समर्थन में आप 15 रैलियां करते हैं तो राजस्थान के साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हो, और सारा कार्यालय आपने जहां पर वहां झोंक दिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता, आप 54 के लगभग बम धमाके हुए 10 सालों में, और आप 5 साल में कार्यकाल में आप देखेंगे कितने कम धमाके हुए, पूरा भारत वर्ष के अंदर क्राइम रिपोर्ट राजस्थान के आपने 2 महीने के क्राइम रिकॉर्ड जारी करे हैं, बाकी 2 महीने के आपने क्राइम रिकॉर्ड आपने आपने सोई नहीं किए, जो आपके जो डीजी की साइट होती है उसमें कोई साइट नहीं, सिर्फ 2 महीने की क्राइम रिपोर्ट साइज करी है। आपने कहा कि साहब राष्ट्रवाद क्यों नहीं गए, आपके मैनिफेस्टो में आप लेके आते हो कि इंदिरा गांधी जी ने 1965-1971 की लड़ाई लड़ी और 2 टुकड़े कराए, तो ये क्या आप चोरी की बात नहीं कर रहे, आप नहीं लेके आ रहे, और 1971 में आप कह रहे हो ना सेना का क्या इस्तेमाल किया गया, 1971 के चुनाव में आप पंजाब में और यूपी के अंदर आपने चुनाव कराए और उसमें खूब आपने कहा कि ये, तो आपने हाथों हाथ पंजाब और यूपी में चुनाव क्यों कराए, तो ये चीजें मत कहिए कि हम शौर्य की बातें नहीं करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि सेना की शौर्य की बातें कर रहे हैं, कोई चुनाव में बातें नहीं कर रहे हैं, चुनाव तो आएंगे। अशोक जी अपने सेना के बारे में हम कहेंगे तो कौन कहेगा, आप भी कहिए सेना के बारे में, आपको जिसको जिसको राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया हो, मैं बोल रहा हूँ उसको आप श्राप देने की बात कर रहे हो, आपने तीन बार बोल चुके हैं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। अशोक जी अभी आपने एक विषय उठाया, वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं जोधपुर से, सीएम ने वहां पे सभाएं की है, तो क्या वसुंधरा राजे के सुपुत्र दुष्यंत सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या राम सिंह कसावा के पुत्र राहुल कसावा चुनाव नहीं लड़ रहे, वो क्या वंशवाद नहीं है, मैं वंशवाद नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जनता की सही न्याय की बात कर रहा हूं मैं, और आप ये कह रहे हैं वंशवाद की बात नहीं कर रहा, अशोक गहलोत तो पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, नहीं नहीं 15 सभाएं वहां कर चुके हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे आती है, हर विधानसभा चुनाव में भी दो-दो तीन-तीन बार जा चुके हैं वो, मैं बातें तो मोदी जी की सभा के बाद में अब अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, नहीं अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर क्यों लड़ रहे हैं इतना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से कर रहे हैं, वो कोई उनका भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ा कोई प्रचारक नहीं है, कर रहे हैं, उसके बाद रोड शो करने की कहां जरूरत पड़ गई, इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, फिर अशोक गहलोत करना चाहिए आपको, लेकिन आपका सारा आपने जितना भी आपका जो सेक्रेटरीट होता है वो जोधपुर में बिठा दिया है, बात उस चीज की आ रही है, आपको आपको अगर बैठा दिया है तो चुनाव आयोग है वहां आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपने किए हैं, कंप्लेन हो रही है, ये कंप्लेन हो रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसका उत्तर भी आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आएगा जल्दी जल्दी आएगा। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत पूरे राजस्थान में घूमे हैं, आप ये बताइए कि वसुंधरा राजे जी राजस्थान में कितनी जनसभाएं की है, हर दिन का हमारा शेड्यूल देखो पायलट साहब की और अशोक गहलोत जी की, कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां तीन तीन चार चार जनसभाएं या पांच पांच छह छह जनसभाएं नहीं होती हो, लेकिन वसुंधरा राजे जी हम नहीं कह रहे, नहीं मैं आप करो, हम कह रहे हैं कि आप करो, दस करो ना, कौन मना करता है, राजे जी आप दस करो, लेकिन जनता के साथ न्याय तो करो ना, इच्छा के विपरीत कौन कौन सी टिकटें दी, मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र जी आप 10 क्यों, 15 करो ना, एक दिन के अंदर कौन मना करता है, आपने नागौर में करो ना, नागौर में कार्य तो करो ना, आप गठजोड़ किया है उससे, उसमें जो आपकी ये मैं इस चीज में कहां जा रहे हो, आखिरकार ऐसी क्या हालात हो गए हैं राजनीतिक दलों में कि कई प्रत्याशी पार्टियों से बड़े हो गए हैं, पार्टियां गौण हो गई है, पार्टियों की नीतियां रीतियां गौण हो गई है, और कई जगह ऐसे है कि सारे के सारे प्रत्याशी ही पार्टी के एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी पूरा देखा जा रहा है कि कहीं राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है,
कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं पे ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं पे अखिलेश और मायावती के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो उनके पीछे हो गए हैं और आगे उनके जो नेता वो हो गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए नीरज जी, इसमें कोई दोराय नहीं है। हर पार्टी चाहेगी कि उसका जो लीडर है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने एक स्ट्रगल करके जो संगठन में आज जगह बनाई है और उनके नेतृत्व में आज युवा वर्ग उनको जो पसंद करता है, उनकी जो उन्होंने जितने वादे किए देश की जनता के साथ, आज जैसे उन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले वादा किया था कि जो किसानों के ऋण है वो माफ़ होंगे, उन्होंने पंजाब के चुनाव से पहले वादा किया था कि माफ़ होंगे, उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से पहले वादा किया था कि वो ऋण माफ़ होंगे किसानों के लिए, उन्होंने जो वादे किए। और वो राहुल गांधी जी की वो खासियत है कि वो खुद इस बात का जवाब मांगते हैं वो अपनी सरकार के मुख्यमंत्री से, जो राज्य की सरकारें हैं, कि आप बताइए ये किया या नहीं किया, कब करोगे। तो इस प्रकार का अगर नेता है, लेकिन मैं ये इसमें मेरा अलग विचार है कि वो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मान लीजिए अटल या आपके नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई विकास कार्य किए और आज वो भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी मैदान में है तो उनके नाम का इस्तेमाल करें, अमित शाह जी ने कोई काम किया है तो उसके नाम का इस्तेमाल करें। लेकिन हालात ये है कि देश के जो इनके सीनियर नेता, जो कभी जिनके जिस जो इनके पार्टी के संस्थापक है मुरली मनोहर जोशी जी, वो सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को जो हालात है आज पार्टी के बारे में उसके बारे में चर्चा लिखते हैं करते हैं। इनको कांग्रेस के वंशवाद की बड़ी चिंता है, इनको गांधी परिवार से बड़ी तकलीफ है, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ी तकलीफ है, जबकि इनको ये पता नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम में देश की आज़ादी के लिए 10-12 साल तक जेल में रहे, तब आपके जो नेता थे वो अंग्रेजों के साथ। सवाल ये था सुरेंद्र जी कि क्या कारण है कि जो पार्टी के प्रत्याशी जिनको चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा है, उनकी क्या व्यक्तिगत कोई छवि नहीं है मार्केट में, बाजार में, कि वो अपने नाम से भी कुछ मांग सके? वो क्यों अपने से बड़े आकाओं के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं? क्या वो अपने काम जो उन्होंने 5 साल में किए उनके काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते? मैं ये कह रहा हूँ नीरज जी, अगर मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, हमारी पार्टी की अगर बात करें तो जो हमने प्रत्याशी दिए हैं उनके नाम से भी वोट मिल रहे हैं। हमारी जो राजस्थान की सरकार है और 3 महीने का जो समय सरकार जो सरकार चलाने का मिला, उसमें राजस्थान सरकार ने चाहे किसानों की बात करो, चाहे सब्सिडियां हो, चाहे आम जन की बात हो, वर्धा पेंशन है वो चाहे 1.5 गुना की गई हो, जिस या जो छात्राओं की जो शिक्षा है वो पूर्णतः मुफ्त की हो, या 5 साल तक विद्युत दर जो इन्होंने 3 गुना कर दिए थे उस पर रोक लगाने की बात की हो, तो ऐसे राज्य सरकार के भी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी का जो विजन है देश के प्रति, उनका सबसे बड़ा विजन जो न्याय योजना है, वो चाहते हैं कि देश का 20% कांग्रेस हिंदुस्तान में न्याय योजना के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, अपने आप को वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। अशोक जी देखो, क्या उन लोगों ने खुद अपने इलाके में कोई काम नहीं किए? क्या उनको सिर्फ और मोदी के नाम की ही आशा है कि वो उन्हीं के नाम पर नैया पार लग सकती है? देखो नीरज जी, जो आप बात कह रहे हो ये तो पूरा देश कह रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो, मोदी जी हो, और ये विपक्ष क्या कह रहा है? अशोक जी, राहुल पूरा देश कहता मैं ये कह रहा हूँ, पूरा देश अगर कहता, आप बोल लीजिए, डेढ़ दर्जन उपचुनाव हुए, अशोक जी आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए, आपने कोई अपनी बात तो देने का जवाब देने का, पूरा देश जवाब दे सकता है आपकी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हो, पूरा देश नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो आप बात तो सुन लीजिए, वो बात तो कर लीजिए ना, वो आपकी पार्टी के लोग कह सकते हैं, ये भी सही कह रहे हैं कि पूरा देश तो नहीं कह रहा है, फिर पूरा देश ही कह रहा है, चुनाव की जरूरत ही कहाँ है? देखो कि मोदी में है, आपको नहीं लगता तो आप इसमें कटाक्ष कर सकते हो, वो आपका काम है, ठीक है, राहुल गांधी जी का काम है। देखो वापस आ गए, अशोक जी आप जनता पे विश्वास नहीं करते। देखो फिर कहा, राहुल गांधी जी ने स्ट्रगल किया, क्यों नहीं किया, क्या इनका स्ट्रगल, खुद की पार्टी 19 साल माता जी रही और ये रहे, जानकारी के लिए बता दो, ये स्ट्रगल है, मुझे लगता है ये स्ट्रगल है, तो इससे बड़ा मजाक को तकलीफ है, भारत में कोई हो नहीं सकता, आजादी के लिए लड़ाई करने वाले, इस राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता, प्राण न्योछावर करने वाले, अगर गांधी परिवार से आपको तकलीफ है, गांधी परिवार का नाम ले लिया, जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, गांधी परिवार का नाम बोला आप, जैसे आपको मोदी जी के नाम से, जैसे आपको मोदी जी के नाम से दलाली तो की नहीं, जैसे गांधी जी के नाम से आज भी किया है, तो इस राष्ट्र के लिए
आप गांधी जी का नाम क्यों हो रहे हैं? परिवार आदर्श है, दलाली करने वाले इतना आदर्श है आपका, आपको पर गर्व हो सकता है तो हमें क्यों नहीं होगा? इस पूरे राष्ट्र को गर्व है गांधी परिवार। सकारात्मक डिबेट करिए सुरेंद्र जी, मैं भी चाहता हूं। देखिए अशोक जी, क्या है कि जैसे इनको गांधीवाद से प्रेम है वैसे ही आपको मोदी जी से प्रेम है, तो दोनों अपनी अपनी बात और दोनों के लिए अपने अपने आइडियल हो सकते हैं। और जैसे आपने कहा पूरे देश में मोदी में माहौल है, वो कांग्रेस वाले कैसे स्वीकार करेंगे कि मोदी में माहौल है? वो सपा वाले कैसे स्वीकार करेंगे मोदी में माहौल है? उनके लिए बसपा में माहौल है, उनके लिए सपा में माहौल है, इनके लिए कांग्रेस में माहौल है, और आपके लिए मोदी में माहौल है। अब आप बताइए कि कैसे मोदी में माहौल है? देखो मोदी में माहौल इसलिए है जी, यदि प्रधानमंत्री का यदि कंपेरिजन किया जाए, कौन बने? सर्वसर्व बने। इन्होंने कह दिया कि साहब कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी जी बने, और जो महागठबंधन के जिनके शामिल नहीं हुए वो कह रहे हैं अभी बाद में तय करेंगे। औपचारिक रूप से उनको आप समर्थन कर रहे हो, मतलब औपचारिक रूप से आप उनके समर्थन कर रहे हो लेकिन प्रामाणिक रूप से आप उनके साथ नहीं हो, तो ये क्या, ये कोई दोहरी आपकी दोहरी प्रमाणिकता नहीं है क्या? ये उसकी डेफिनेशन तो बताइए कैसे ठीक है। अब आता है, आप कहते हो सर विकास डेवलपमेंट किया आपने, राजस्थान में आया डेवलपमेंट किया, 3 महीने की 4 महीने की गवर्नमेंट हो गई, किसान का कौन सा माप कर दिया आपने? एक संख्या तो बता दीजिए कौन सा माप किया आपने? बिल्कुल बताइए। बेरोजगारों के लिए आपने कौन सा दे दिया ये बता दीजिए? बेरोजगारों के लिए हो गया, आपराधिक आंकड़ों के अंदर 16% महिलाओं के अपराध बढ़ गए, ये आपका अचीवमेंट रहा। आपने कहा कि न्याय योजना, न्याय योजना कौन सी योजना जो इंदिरा गांधी जी लेके आए, नेहरू जी लेके आए, क्या वो योजना नहीं लेके आए? बिल्कुल आपने पास कर दिया, फिर 70 साल आप ले गए, क्या आपने न्याय किया? अशोक जी मैं ये 70 साल का आप बोल रहे ना, आप बोल रहे कौन मना नहीं कर सकता? आप सरकार के वित्त मंत्री है या नहीं? आज 20% हो गई 57% अगर गरीबी खत्म हुई है। आप सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी उनको डिबेट का, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी एक बार अशोक जी को अपनी बात रखने दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि अशोक जी अपनी बात रखें दर्शकों तक, लेकिन मैं चाहता हूं बात भी सही रखी जानी चाहिए। क्या वाकई में इस समय जो चल रहा है पार्टी की विचारधारा पर व्यक्तिवाद ज़्यादा हावी हो गया? अशोक जी अब छोड़िए, आप तो कांग्रेस ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, लेकिन अभी जो चल रहा है माहौल उस पर बात करते हैं सीधा। देखो कि वर्तमान में जिस प्रकार से कह रहे हैं सब सीनियर नेता, मोदी बनाम तमाम हो गया, मोदी बनाम तमाम है, यानी सीनियर नेता की एक बात और कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तो सीनियर नेता लाल कृष्ण राव जी की मनोहर जोशी जो पार्टी देह थी उसको आपने पार्टी कार्यालय में नहीं आने दी, प्रधानमंत्री की जो पूर्व थे, और सीताराम आपके थे, सीताराम केसरी केसरी जी थे, और उनके साथ आपने क्या किया? आपके सीनियर नेताओं ने पकड़ के उस पार्टी काले से बाहर फेंक दिया। ये राष्ट्रीय के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है, ये कुछ नहीं कर सकता नेहरू जी। अरे यार मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो सब बता सकते हैं, नीरज जी बता देंगे, सारे अखबारों ने उसमें कही थी, सारी बातें कही थी, मैं आपकी बात का ही काउंटर कर रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री बनाया, आपको लगता है वर्तमान में पार्टी देव को तो आप पार्टी कार्यालय में आने अभी लगता है आपको, अभी लगता है पार्टी की नीतियां, आपने तो जिंदा आ गई सम्मान, पार्टी की नीतियां रीतियां सब दोयम दर्जे की हो गई है, सिर्फ व्यक्तिवाद हावी हो गया है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात चल रही है। जैसे मोदी बनाम तमाम हो गया, वैसे राहुल बनाम तमाम हो गया, क्योंकि वहां भी महागठबंधन में 44 पार्टियां शामिल है, इधर भी इतनी पार्टियां शामिल है और महागठबंधन अलग है, तो यहाँ भी अभी लग रहा है पार्टी की नीतियों से रीतियों से कोई मतलब नहीं है व्यक्ति, क्योंकि वहां पर मोदी के नाम पर, इधर राहुल के नाम पर, उधर माया और अखिलेश के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। हाँ देखो कि पार्टी की बात आती है जिस प्रकार से, जैसे मायावती जी हैं और मायावती जी ने संगठन किया है, बात अलग है, सपा के साथ उन्होंने महागठबंधन किया ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप कोई एजेंडा तो लेके आओगे आप कि हमारा एजेंडा ये है और देश को हम ये देंगे, ये कह रहे हैं सर सांप्रदायिक बात ताकतों के खिलाफ, कौन सी सांप्रदायिक ताकत ऐसे 5 साल के अंदर हो गया जो आप सांप्रदायिक ताकत कहते हो? 54 बम धमाके हुए आज है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात हम नहीं करें और फिर आप बोलने लगे, आप फिर बोलने लगे, आप ये देखिए कि आतंकवादियों को कितना, आतंकवादियों कितना का मारा उसमें, ये बात आप नहीं करोगे, सेना को आप गिरा रहे हो कि सेना के आप जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहोगे आप, ये नहीं कहोगे सेना को कितना किया,
मैं कह रहा हूँ आप फिर आने लगे नरेंद्र मोदी जी तो देश के कानून और संविधान के नाम को ही बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। आप कर रहे हैं आप लोगों ने तो सेना को कहा कि बेटी का इंटरव्यू पढ़ा क्या आपने अशोक जी तो अगर आइए सुरेंद्र जी अशोक जी सुरेंद्र जी अभी राजनीतिक पार्टियों के हालात वैसे ही हैं जैसे मेरे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के हैं। ऐसे ही हालात वर्तमान में राजनीतिक दलों के हैं। कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता, जिसको जो लगता है जिसके लिए जो फायदेमंद है, कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन देश की तमाम जनता है वो सब समझती है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रवादी है, कौन सी पार्टी गैर राष्ट्रवादी है, कौन सैनिकों का सम्मान करती है, कौन सैनिकों का सम्मान नहीं करती है, कौन उनके लिए किसानों गरीब और उसकी बात करती है, कौन सबका साथ सबका विकास करती है। आप दोनों स्टूडियो में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां की विचारधारा ही सर्वोपरि होती है, लेकिन कई बार व्यक्ति भी इतना बड़ा कद उसका हो जाता है कि वो पार्टी की विचारधारा से बड़ा हो जाता है और प्रत्याशियों की मजबूरी हो जाती है कि वो उसके पीछे खड़े होकर कहीं ना कहीं वोट मांगते हैं कि कहीं ना कहीं उनके वोट में उनकी छाया में वो भी अपना चुनाव जीत जाएं। तो मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।